जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ खालिद बर्ड। आप देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट, और फ्रॉडकास्ट के आज के अहम मेहमान हमारे बड़े अच्छे दोस्त साबका चेयरमैन पीसीबी, और हाल ही में इनको हटा दिया गया। और जब हटाया गया तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। इन्होंने एक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग की जिसके अंदर इन्होंने कहा कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई और काफ़ी किस्म के इल्ज़ाम लगाए। जो अभी हमारे चेयरमैन हैं पीसीबी जनाब नजम सेठी साहब, उनके ऊपर भी, और उन्होंने कहा कि सेठी और क्रिकेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। सेठी गाना तो बता सकता है, जिस तरह उनके बेटे ने भी जिक्र किया कि उनका गाना था कसूरी, सेठी साहब बोलते थे घर के अंदर, वहाँ से ही पिक्टेड आप। तो मैं बात करूँगा जनाब रमीज़ राय साहब से, आपका क्रिकेटर कप्तान भी रहे रमीज़ भाई आप गालिबन। या डेफिनेटली, मैं सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर inviting me in such a huge and tremendous tremendous platform. So thank you so very much. अफसोस ये होता है कि एक benevolent काम करने वाला, एक magnificent काम करने वाला, एक ऐसा काम करने वाला जो he was doing good. एक कहने के एक cold hearted person जो इस क्रिकेट के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, उसको अचानक से उठा के एक पसूड़ी ने बाहर फेंक दिया। दैट स्ट्रॉन्ग। ये पसूड़ी हुई कैसे आपके साथ? ये सुना है कि आपके कमरे से आपको सामान तक नहीं उठाने दिया। ये जो है वॉक एक क्रिएट कर दिया गया, एक बहुत डिफरेंट किस्म का, एक मॉन्स्टराइज किस्म की एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी गई कि जहाँ क्रिकेट जो है वो रमीज़ राजा के साथ थी। आई प्लेड क्रिकेट, नजम सेठी ने क्रिकेट नहीं खेली। वो या तो चिड़ियाँ पकड़ते, हाँ उसको क्या पता, वो चिड़ियाँ या तो पकड़ता रहे या वो गाने और पसूड़ी और यू नो इस तरह की चीज़। आपको क्रिकेट के ग्राउंड का कुछ नहीं पता, यू एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग। तो जब आपको कोई एक चीज़ पता ही नहीं है, तो आप कैसे एक क्रिकेटिंग माहौल के अंदर बैठ के ये फैसला कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं कि मैंने कितनी इस टीम को क्या कुछ नहीं दिया। क्या दिया सर? मैंने एज क्रिकेटर तो इस अपना खून पसीना, आप इमरान खान मैंने दिया। अगर देखा जाए तो अगर मैं कैच ना पकड़ता, इमरान खान साहब ने इसका इंतज़ार किया इस कैच का पूरी ज़िंदगी, उनका वो कैच पकड़ना मेरा, मैंने इस कॉम को इमरान खान जैसा लीडर दिया। अगर वो मैं कैच ना पकड़ता तो मैच हार जाते, इंग्लैंड जीत जाता। अगर वो इंग्लैंड जीत जाता तो आप मतलब इमरान खान तो फिर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनते। तो इस कॉम को मेरी बदौलत एक बहुत अजीम लीडर मिला। वैसे आपको लगता नहीं है कि जब ये इसमें आएंगे कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन आपको ये नहीं लगता रमीज़ भाई के उसी दिन आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए जब खान साहब गए थे? तो आपको पता था इवेंचुअली ये तो होना है, ये तो प्राइम मिनिस्टर का अपना वो है, स्वादीद है कि वो देखे। प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं, बात ये है कि इस एक स्पोर्ट्स है, इसके अंदर एक स्पोर्ट्स मैन को ही होना चाहिए। क्रिकेट मैं ये तो नहीं कहता कि स्पोर्ट्स में आप किसी हॉकी प्लेयर को डाल दें आके, या आप किसी एक ऐसे प्लेयर को डाल जिसको किसी का पता ही ना हो। तो आई सर्व फॉर दिस नेशन, मैंने एक अरसा इस कॉम को सर्व किया है, तो मुझे मेरा, मैं ये नहीं कहता कि मुझे, लेकिन आप रिज़ाइन कर देते ना, मैं कह रहा हूँ। नहीं, रिज़ाइन किया, इन्होंने आके चापा मारा है कमरे के अंदर से, सारी चीज़ें लेकर चले गए ये लोग। दिस इज नॉट ऑल। मैं किसके हाथों अपना लहू तलाश करूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताता हूँ, ट्रमेंडसली जिस तरह से वो लोग दाखिल हुए हैं मेरे कमरे के अंदर, आप यकीन करें मेरे हाथ पांव बांध गए, मेरी इतनी चीज़ें लेकर चले गए ये कमरे, गुड्स थे मेरे गुड्स लेकर चले गए। स्प्रे तो ऐसा किया है कि चलो मेरे बालों का स्प्रे मुझे पे ही कर दे दो, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर मैं बताऊँ कीड़े मार दबाएँ। अच्छा, आप कमरे में? यस, एक रिपेलेंट लेकर आए और उन्होंने जाके रिपेल किया, और उधर जाके मेरी सारी मारने वाली छुपकलियाँ मारने के, ये जितनी भी छुपकलियाँ होती हैं और इस तरह की जो हशरात लार्ज होते हैं, लेट मी टेल यू, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इन्होंने वर्टिब्रेट्स के ऊपर होने वाला जो ऑपरेशन था वो मेरे ऊपर कर दिया, और मेरे ऊपर ऐसा स्प्रे किया इन्होंने कि मैं आपको बताऊं, मैं 3 दिन तक बेहोश रहा हूं। अच्छा। और जब मेरी होश आई है तो मैं उल्टियां करता रहा हूं। मुझे तो हफ्ता एक तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। इस सारे चीज़ के अंदर ये गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व। भाई आप खेलने दो क्रिकेट को, मैं इस मुल्क में क्रिकेट वापस लेकर आया हूँ, मैंने क्रिकेट तो यहाँ से नाराज़ हो गई थी। टेप बॉल तो हर कोई खेलता है मैक्सिमम, लेकिन हार्ड बॉल की टीम को लाना उसके लिए एक अंग्रेज़ी की ज़रूरत होती है, एक चीज़ों की, एक प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, मेरे अंदर ये सब कुछ नहीं था, लेकिन मैंने एफर्ट तो की अपनी अपनी पूरी की, और उस एफर्ट के नतीजे में आज भी मुझे मिस कॉलों पर मिस कॉल, मैं अगर आपको दिखा दूँ कि कोहली मुझे आज भी बड़ा भाई बोलता है, और उसने कहा है कि आप हुक्म करो कि कब आना है और कब इस मुल्क के लिए खेलना है। मैं आपको ये देखें कोहली की, आपको मिस कॉल दिखा दूँगी, कोहली की मिस कॉल देखे आप। किसी का नाम रखा हुआ आपने?
एक कोहली है। अच्छा अच्छा, आपने नाम उसका इम्तियाज रखा है, मैं कोहली। अच्छा वो मैंने गलत नंबर, मेरे ख्याल में ठीक है, मेरा कजन है कामुंकी में रहता है ये, इसने कहा। लेकिन रमीज भाई आप ये भी इल्जाम लगाया, इन्होंने आके पल्वराइज छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन आपने कहा कोई शर्ट भी थी खान साहब की साइन, वो भी ले गए आपके कमरे से, और आपको मतलब जिस तरह बोली किराया ना देने पे बहुत अरसे बाद निकाल देते, उस तरह कुछ किया आपने? देखिए बात साइन की नहीं थी, बात ये थी कि मैंने वो एक टी शर्ट, एक अजीम कौम का एक अजीम लीडर था जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया, और जैसे वो क्वीन की तरह बैठा हुआ था और मैं चलता हुआ जाके उसके पाँव में गिरा, मेरा मतलब मैं उससे इजाज़त लेने गया। आप बताओ, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर, एक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की, साहब का प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे, उनकी एक टी शर्ट साइन हुई हुई थी जिसको मैं बेचने के लिए पिछले तकरीबन 7.5 सालों से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं बिक रही है वो। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब का एक जेरे जामा जिसे कहते हैं आप लोग, पजामा, जेरे जामा। अच्छा, तो पजामा, पजामे के नीचे होती है, उससे भी नीचे जी, बिल्कुल बिल्कुल है, जो एक बदन से एक ऐसा कपड़ा जो है जिस्म की, प्राइम मिनिस्टर का आपके पास था भाग जो है वो वहाँ जा, वो जो है वो मेरा एक साइंड मेरे पास पड़ा हुआ, पजामा भी साइंड, पजामे के अंदर, और पजामा भी कौन सा साइंड मैंने कहा करवाए थे, अंदर की तरफ जो हिस्सा उनकी एक ऐसा करने वाला ऐसा, तो वो मैंने साइन करा के रखा होता। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, मैंने उनके जो मुख्तलिफ कपड़े थे जिसमें इंसान को सच बोलना चाहिए, मैंने जो जेर जामा जो छोटे वाले जो होते हैं लाइक जो क्या कहते हैं, जो पुराने जमाने में से कहते लंगोट, लंगोट तो एक कपड़े का होता है, लेकिन एक ही कप समझे, एक ऐसा पजामा जो छोटा होता है बिल्कुल, और जिसके अंदर से टांगे नजर। प्लेटफॉर्म ऐसा है टी वी के ऊपर, न्यू टी वी के ऊपर अगर मैं कह सकता हूँ तो प्लीज अलाउ, प्लीज अलाउ, तो वो भी रखा हुआ था आपने, वो मैंने रखे हुए थे। उस कपड़े की काफ़ी सारे की मैंने टोपियाँ बना के एक नौजवानों के लिए रखी थी, क्योंकि खान इज द ओनली पर्सन इन दिस होल प्लानट क्रिकेट जिसकी हर चीज बिकती है। ऐसा आपका टेन्योर ले ले खान साहब एज अ वज़ीर आज़म अंडर आपके क्रिकेट, और आप उस पीसीबी के चेयरमैन एज अ क्रिकेटर, लेकिन आपके लड़के नाराज हैं जब आप उनसे बात करें, वो कहते हैं कि सारा डिपार्टमेंट ने क्रिकेट ख़त्म करके उनको बड़ा नुकसान पहुंचा, बेचारे डिपार्टमेंट से खेलते तनखा लेते हैं। देखें आप कहते हैं कि 400 बंदा नहीं मिलता आपको क्रिकेट में, सब छोड़ के अपने कारोबारों में लग गए बेचारे, वो तनख्वाह पे थे ना, आपने क्रिकेट से ज्यादती की। कौन मैं, आई डोंट नो, आप उसमें है नहीं खान साहब ने। माइक गेटिंग एक बहुत बड़ा ह्यूज ट्रेमेंडस प्लेयर था, उसकी वालदा के भी मुझे मैसेज आया, माइक गेटिंग की भी वालदा के जी, और खान साहब का नंबर मांग रही थी, तो मैंने अभी आंटी को सॉरी कहा, आंटी लेट मी कॉल यू बैक, ठीक है, मैंने आंटी को कॉल कर दी। तो इस तरीके के आप यकीन करें कि ऐसा ऐसा खान साहब का फ़ैन मैंने, एम्ब्रोस का नाम आपने सुना, एम्ब्रोस का वालिद बूढ़ा जो है, आप यकीन करें, अंकल जो थे कर्टली, अंकल कर्टली जिनका वो बेटा था, ह्यूज फैन एम्ब्रोस की, दादी ने खान के लिए स्वेटर बना के बेचे, क्या नाम था उनको, तो हम वेस्ट इंडीज़ वाली आंटी कहते थे, बड़े बेहतरीन खाने बनाना, आलू उनसे अच्छा बेहतरीन कोई, इंजमामुल हक को नाम आलू अगर किसी ने दिया तो एम्ब्रोस की दादी, दादी हुजूर ने, लेकिन मैं आइन बिशप के फूफा, ये सारे फैन, ह्यूज फैन एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के, सॉरी ये वेस्ट इंडीज के अंदर, आप यकीन करें इतनी ऐसी फॉलोइंग, ऐसी तो जो आदमी जिसने इतना आपको कितने स्टार्स दिए, वी हैव सीन क्रिकेट ग्रो, मैंने बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी क्रिकेटर हो, क्रिकेट को जानता हो, वो कम से कम खान से लड़े तो सही कि भाई डिपार्टमेंट ने क्रिकेट ना ख़त्म करें, ये लड़कों की रोजी रोटी नहीं, ऐसा नहीं है। देखें कि अगर एक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बर्डन अगर पड़ता है किसी भी, तो कट डाउन, तो ये पीसीबी आपने वो किसी ने शेयर किया, अगर किसी ने क्रिकेट खेलनी है तो वो वर्ल्ड कप जीत के बताएगा, भाई ये वाली क्रिकेट के ऊपर हम पैसा नहीं खर्च कर सकते, ठीक है, अगर बीसीसीआई जो है वो अच्छा अर्न करता है और हम उसका 24% जो है वो हमें मिलता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आपने किस तरह से ये सारे कप करवाना और ये और वो डोमेस्टिक करवाना, इससे क्रिकेटर कभी नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेट देखें, जो खान साहब ने, सर माजरत के साथ, खान साहब ने जिससे आया वो है पीएसएल,
और वो तो सेठी साहब ने खड़ा किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लक्ष्मी की ऑस्ट्रेलिया के अंदर टैलेंट इतना ह्यूज ट्रेमेंडस टैलेंट है, अनबिलीवेबल, इतना ज़बरदस्त पेसर, फास्ट बॉलर, आप आए वो आता है गेंद मारता है, और आपके पास ऐसा कोई एक प्लेयर भी हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए, सिर्फ इस वजह से कि एक जर्नलिस्ट का काम नहीं है। आपके जर्नलिस्ट का काम आपकी दाढ़ी दाढ़ी गिर रही है, उसका थोड़े से बाल माइक पे लगे अगर आप हटा दें। आई एम सो सॉरी, लेकिन इस साइड पे सर। हाँ, वो असल में वो आप झड़ने स्प्रे जो किया उससे मेरे बाल झड़ने शुरू। अच्छा ठीक है, अरे मुझे एक बात बताएं ना, आपने कौन सा खान साहब से जब आपकी मुलाकात होती तो आपने उनको कहा नहीं कि हमें क्रिकेट, क्योंकि हम दोनों क्रिकेटर हैं, आप इस वक्त अल्टीमेट पावर में, नीचे मैं हूँ, दो पावर्स हैं हमारे पास, तो हम हमारे क्रिकेट में कुछ रिफ्लेक्शन हम टीम में अब हारने नहीं से है। किसी ने कहा था उनको कि ऊपर वो है नीचे कोई और है, लेकिन वो मैं नहीं था, लेट मी टेल यू। अच्छा, वो जो भी थे उनके नीचे काम नहीं कर रहे थे। मैं उनके नीचे काम करने वाले बहुत लोग हैं, मैं उनके बराबर में काम करता था, उनके नीचे तो काम करने के लिए शायद आप भी रेडी हो जाते। नहीं नहीं, आई एम नॉट अ फैन ऑफ। मुझे बताएं कि आप जुल्फी बुखारी वगैरह इस तरह के लोग आपसे कोई क्रिकेट के अंदर कुछ आपकी इंटरफेरेंस? आप फिटनेस के हवाले से उसने मुझे बोला कि वो बहुत अच्छा प्लेयर्स को फिट कर सकता है, और उसके मसाज वगैरह के ऑफर्स तो करते रहते हैं। मसाज देखें क्रिकेटर की, क्योंकि वो स्पोर्ट्स, शुक्र अदा करें कि मोहम्मद बिन सलमान माना नहीं है। अगर मोहम्मद बिन सलमान मसाज के लिए मान भी जाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो हमारे पास क्या था, हमने पिंडी से जाके जो है वही मानसी लेकर आने थे जो। अच्छा, ना नहीं जाते उधर पीर बदाई अड्डे पे, अगर आप जाएं तो ऐसा पीर बदाई अड्डा वाहिद अड्डा है कि वहाँ दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक आपको मालशी जो है वो तो ज़रूर मिलेंगे, दूसरा वहाँ जो वो गंदी सोच वाले जो लोग होते हैं एक दूसरा वो मिलेंगे, यानी कि जो अटैकर होते हैं थोड़ा, ठीक है, तीसरा आपको वहाँ पर एक बालों वाले जगह मिलती है, वो है मौजूद, वो कोई ऐसा अड्डा नहीं। आप बता रहे हैं रमीज भाई, आप कह रहे हैं कि आपने तनख्वाह नहीं ली, और किसी ने शेयर किया था इमरान, मेरा ख्याल है वो एंकर इमरान, यूट्यूबर इमरान, आई डोंट नो क्या है, उसने शेयर किया था, वो कहता है कि आपने तनख्वाह नहीं ली, नहीं ली, लेकिन वो कहते हैं कि साथ साथ अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखें तो पीसीबी की जो एक मुनाफा बख्श, एक उसकी जो आखिर में वो छोड़ के गए थे एसेट, वो कम हुआ बाय द टाइम, और आप पेशावर से डॉलर के रेट अगर आप लगाएंगे तो वो आपको बिल्कुल यही रिजल्ट मिलेगा। मैंने उसको इनहेंस किया, लेकिन डॉलर इतना नीचे गिर गया है कि वो चीज़ ही आपको बिल्कुल वो ओने पौने चौने टाइप के एक नज़र आएगी, ठीक है, बट मैंने इंक्रीज़ किया है। मैं बहुत अच्छा यहाँ पर, देखें ना, इंग्लैंड की टीम ने आपको आने से इनकार कर दिया था, इंग्लैंड को लेकर मैं आया, कैसे, खान साहब ने जाके वास्ते दिए सिरे महल के अंदर, मलका को गए यार प्लीज़ भेज दे, मलका ने कहा भाई मेरा कंट्रोल नहीं चलता, फिर मुझे बुलाया गया, मैंने मलका को जाके वो सारा वीडियो दिखाया, जिस वीडियो आ गई सर नहीं वो वाली नहीं, अच्छा था खान साहब वो तो बाय बाय, हाँ वो दूसरी एक वीडियो थी जिसके अंदर मैं एज 007 जाके, जैसे वो क्वीन से मिलते हैं, मैं खान से मिला था, तो मैंने जाके उनको वास्ते दिए, मैंने कहा प्लीज़ अपने प्लेयर्स हमें भेजें ताकि हम इसको क्रिकेटिंग एक सेंस प्रिवेल कर सके पाकिस्तान, हमारे हम अभी आर क्रिकेट लविंग नेशन। जी रमीज राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट प्लस, क्विक ब्रेक है, वापस आते हैं राजा साहब से बात करेंगे इनके मसाइल पर और क्यों उतने गुस्से में, क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक, हाउतिन हजरात, ब्रॉडकास्ट में मैं हूँ खालिद बड़, हमारे साथ रमीज राय मौजूद है, राय साहब से बातचीत चल रही थी, लेकिन आप समझते हैं कि खान की तरह पीसीबी में रिजीम चेंज हुआ और आप उसके के हक में आवाज़, आपने नौजवानों से खिताब भी किया है? मेरे पास आप यकीन करें वो साइफर भी मौजूद है जिसके बुनियाद पर मुझे हटाया। किसने हटाया आपको? मुझे हटाया ये साइफर आई टाइप नहीं, ये साइफर मुझे आईसीसी ने ये किया है, आईसीसी ने आपको, आईसीसी ने रमीज राजा को हटाने के लिए इनका प्लान बनाया, और एक साइफर मेरे पास मौजूद है, और मैं हर क्रिकेट क्लब जाऊंगा इस मुल्क में जहां लोगों को जाके बताऊंगा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। अच्छा, आपने नजम सेठी से बातचीत की सर? नजम सेठी से कौन बात, उसके घर वाले उससे बात नहीं करते, मैं क्यों बात करूंगा उससे? नहीं फिर भी क्योंकि उनके घर में कोई होता ही नहीं, कोई कॉन्सर्ट कर रहा है, कोई सियासत कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, तो वो बेचारे अकेले क्या करेंगे घर में। लेकिन हुकूमत, उन्होंने कहा ठीक है मेरी परफॉर्मेंस, आपने खुद कहा कि कोई बात नहीं, अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी लेकिन टेन्योर पूरा करने दें, तो आप कहते हैं कि परफॉर्मेंस की खैर है, चाहे वो कप्तान हो जो वो, अब उसको पूरा करने दें। देखिए जिन चीज़ों में परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है उसका तो मैं कायल हूँ, अगर मैच होगा एक ऐसे मैच एक फंस जाता है, और शहीन आपको मैंने ला के दिया है, इमरान खान के पास मैं गया, इमरान खान ने कहा कि अपने आप को फोकस रखो, सिर्फ एक चीज़ से बचो, गुनों से बचो। मैंने बोला कि यस कैप्टन यू आर राइट, आई डोंट डू दिस, हाँ मैंने कहा गुनों से हमें बचना चाहिए, तो मैं गुनों फिर ढूंढता रहा कि ये क्या है, गुनाह से बचो, वो खान साहब उसको गुनों कहते हैं क्योंकि गुनाह है एक आम चीज़, ठीक है,
गुनू है सुपरलेटिव, जिसमें आप जानवरों को भी ना छोड़ते हो। ठीक है, कुछ एक आध ऐसी वीडियो आ जाए जिसमें आप जानवरों को लड़के खुश थे सर, जिसके अंदर यानी कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबको काट रहा है ठीक है, लेकिन एक ऐसी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन आ गई कि कोई यानी कि एक आदमी पै गया है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, वो आप देखें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, कि जो बड़े बड़े डाकुओं से तो लड़ सकता है लेकिन कोई आके उसको गुड़ब भी कर सकता है। आपसे लड़के खुश थे? आप मुझसे लड़कियां भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश थी, आप उनसे मिलेंगे वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं, नहीं, मतलब लड़कियां भी खुश थी, टीम के बॉयज हमारे। मैं टीम देखें, पीसीबी का मतलब क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारे अंदर वुमेन क्रिकेट टीम भी आती है। अच्छा, इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि लड़कियां भी यानी कि हमारी वो वाली खवातीन भी मुझसे बहुत ज्यादा खुश थी, वुमेन क्रिकेट टीम भी। हाँ बिल्कुल। आप लेकिन सर वो कहते हैं ना पेशावर वाला स्टेडियम की मैंने फुटेज देखी पिछले दिनों, कम अज कम आप पीसीबी में रहते हुए यहाँ भी मैच होना चाहिए पेशावर कोयटा, आपने उसके लिए कुछ कर लेते, इतना आपका इदारा इतना बड़ा इदारा पीसीबी, आप मैं एक बहुत बड़ा मैच ऑर्गेनाइज करवाने वाला था, मुझे इन्होंने हटा दिया, खान साहब ने अप्रूवल दे दिया था, हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैच करवाने वाले थे, टी टी पी वर्सेज पी टी आई, हम लोग एक बहुत बड़ा मैच करवाने वाले थे, उसकी एक ह्यूज ट्रेमेंडस और आउटस्टैंडिंग हमने एक सेलिब्रेशन सोची, हमने ऐसी सेलिब्रेशन सोची थी कि मैच से पहले जिस तरह से वो क्या नाम है वो जो होता है आतिशबाजी, हाँ फायरवर्क्स जो होता है, हम उसके अंदर हमने सोचा था कि सबसे पहले पिच पे आके दो खुदकश बम्बार फटें, आप बिलीव करें दो खुदकश बम्बार फटें, और जो स्टेडियम में लोग देखने आए, किसी के पास रॉकेट लॉन्चर है, किसी के पास क्लैशनकोफ है, तो हम देखें ये दुनिया को हमने बताना था कि वी आर पीसफुल नेशन, हम पीस, हम सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, हम इस क्रिकेट को सपोर्ट भी करते हैं, मैसेज दे रहे हैं दुनिया को। आपने कहा एज अ पीसीबी चेयरमैन आपके इंटेंशंस बड़े अच्छे जी, उस पिच से मौत अच्छी जिस पिच से आती है क्रिकेट के अंदर परवाह नहीं होता है। ठीक है, आप क्या समझते हैं ये, वैसे मैंने सुना है वसीम अकरम को भी ऑफर की खान साहब ने, उन्होंने कहा नहीं मुझे, नहीं उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं करूँगा, उन्होंने ऑफर की उनको खान साहब ने। आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं पार्टी नहीं, मैं ओके उसने कहा मैं आई एम क्लीन, मैंने आपको लगता नहीं था कि आपको भी फिर इसमें नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हुकूमतों में आके ये काम करना, आप यू नो हाउ इट इज, तो फिर एक देखेंगे कोई पोस्ट ऐसे, मैं कोई ऐसी पोस्ट तो नहीं थी कि जिसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ्स आनी चाहिए, ये तो एक सिंपल सी एक ऐसी पोजीशन थी और उसके अंदर किया। और अगर आप देखते हैं कि इसी के लिए किसी क्राइटेरिया की ज़रूरत है, तो हमारे तो मुल्क में वज़ीर आज़म ऐसे बन जाएगा, क्रिकेट की एक छोटी सी पोस्ट थी, छोटी सी पोस्ट। आपको एतराज़ हुआ इस बात पे कि क्रिकेटर को हटा दिया तो उधर तो क्रिकेटर वज़ीर आज़म भी बन जाता, तो कोई मसला नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है आई थिंक। लास्ट जो मेरी मुलाकात हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उनको कहा कि आपको मेरी सर्विसेज चाहिए, आई एम हियर, अगर आपको मुझे नहीं चाहिए तो मैं अपना झाड़ू स्टार्ट करूँगा और उड़ जाऊँगा, और मेरे लिए कैद नहीं है इंडिया में, मैं आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, मुझे अपने मैं तीन आज सालों भी कमेंट्री से तीन सालों तो में टीचिंग कर लूंगा मैं इंग्लिश की। तीन सालों में कोई अच्छे अपने पीसीबी की बका के कोई ऐसे फैसले जिसकी वजह से आप समझते हैं कि बहुत अच्छा किया जो नजर नहीं कर सकते, दो तीन बोलते हैं जी नजम जी आप नजम सेठी साहब कहते होंगे, हम क्रिकेट के अंदर जब आपका ओपोनेंट होता है तो आप ये नहीं देखते कि वो बड़ा है, यस अगर वहाँ सामने माइक गैटिंग आ गया है, माइक गैटिंग अगर वो आ गया है, तो वो भले आपके फूफा की उम्र का हो लेकिन वो इस वक्त एक ओपोनेंट है आपका, आपने उसके साथ वैसे ही खेलना है, वैसे ही करना है। आप समझते हैं कि यार यू आपके पास अपॉर्चुनिटी थी विद फुल पावर पीछे वज़ीर आज़म आपका क्रिकेटर, लेकिन मतलब वो कुछ हो नहीं सका जो इस मुल्क में देखें, इस मुल्क में एक ही आदमी आया जिसको एक्चुअली फुल पावर फुल थ्रॉटल के साथ थी, जब वो इस मुल्क को सर्व नहीं कर सका तो अगेन क्रिकेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, एक ऐसा आदमी 47 के बाद इस मुल्क में आया जो जिसको हर वो सपोर्ट हासिल थी जो बानिए पाकिस्तान को भी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो सर्व नहीं कर सका तो क्रिकेट पीछे से क्या रह गई। ठीक है, अच्छा दूसरा आखिरी सवाल, उंगली नहीं उठाना मेरे ऊपर उंगली उठाओगे मैं फाइट दूंगा आपको, आई विल फाइट। आप जर्नलिस्ट से इतना क्यों तपे, आपने कहा स्पोर्ट्स यार बंद करें, ये सवाल बंद करें, अगर ये सब करना है तो जाए आप, यार ये जो जर्नलिस्ट आप बात कर रहे हैं इनके ज़रा आप देखो इनमें कौन ऐसे इनके ट्वीट्स देखो भाई, कोई साहब के लाके लगा दो मेरे साथ, कोई नाम के साथ, कोई थोड़ा तो बहुत कंट्रीब्यूट किया होगा ना, एक वर्ल्ड कप जो जीता है उसका स्क्वाड का मैं हिस्सा था, आखिरी कैच मैंने पकड़ा था जिसपे मैंने उसके बाद दुनिया ने देखा कि मैंने आप समझते हैं आपके साथ ज्यादती हुई है एज अ स्टार
द स्पोर्ट्समैन एज अ चेयरमैन. स्टार तो मैं अपने आप को नहीं मानता ना, लोग मानते हैं मुझे. यू हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी. हाँ, मुझे क्योंकि हम सब के क्रेडिट तो एक ही आदमी ले गया था, वो था स्टार. हाँ. जी, ये किसी और दिन का मौसम रखते हैं, उस पे बात करते हैं. मुतमईन है कि आपने खिलाया. मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया. मैंने क्रिकेट को सर्व किया, सपोर्ट किया, मैग्निफिसेंटली खेला है, अमेजिंग प्लेयर. और अगर वर्ल्ड कप जीत जाते हैं आपकी इसमें, जब तक आप चेयरमैन थे, तो मैं लाइफ लॉन्ग रह जाता. फिर ये मेरी जॉब पक्की हो जाती. लेकिन ऑब्वियसली आपने कमेटी के अंदर एक ऐसे आदमी को डाला है आज जिससे खान भी इनसिक्योर होता है कभी कभी. और उसने गेंद भी चबाई है. ये जो बोर्डम कह लें, स्टार्डम कह लें, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक टेस्ट में. मतलब जो हमारे साथ टेस्ट में हुआ है, आपका इंटरव्यू था. मैं उसके बाद से मैंने टेस्ट देखना छोड़ दिया, आप यकीन करें. अच्छा, आप मैंने सिर्फ अपने चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, उसके टेस्ट करवाए, वो देखा. ठीक है, मुझे इतना गम लगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. मैं तो आपका बड़ा मद्दा हूँ. आई पर्सनली लव यू एंड आई एडमायर यू. और आप कमेंट्री में वापस मना नहीं कर सकता. कमेंट्री में वापस मैं इंशाल्लाह कमेंट्री में वापस आऊँगा कि उसमें मेरा अभी तक करियर. लेकिन वो आप भूल तो नहीं गए थोड़ा? नहीं, अभी कहाँ, मैं कुछ नहीं बोलता. कोई करके बता दे, मुझे याद आ जाए. ट्रेमेंडस फीलिंग, जो बैट को वो पीछे से लेकर आए और जो बैट से जो उन्होंने जो है वो मेडल किया है. इट्स अमेजिंग, मैग्निफिसेंट शॉट, फोर रन. ठीक है, थैंक यू रमीज राजा साहब. आपका शुक्रिया, आपका चेयरमैन और हमारे आपका बहुत बहुत शुक्रिया. स्टार आप हमारे साथ थे. जी खातिन, आप देख रहे थे. इंशाल्लाह आई विल बी बैक वन डे. इंशाल्लाह खान साहब ने कहा है कि जैसे वो आएंगे दो तिहाई अक्सरियत से, तो वो मुझे इंशाल्लाह बनाएंगे. दो तिहाई अक्सरियत मिल जाए ना बस. इस वक्त अगर मेरा कैरियर क्रिकेट रुकी हुई तो दो तिहाई अक्सरियत पर रुकी. ठीक है, ठीक है, फिर ना. जी खातिन, फ्रॉड कास्ट में रमीज राजा हमारे साथ, सबका कप्तान, सबका स्टार, सबका कैच पकड़ा जिन्होंने 92 में, सबका वर्ल्ड कप के कंट्रीब्यूटर, सब कुछ हमारे साथ थे. आपका शुक्रिया रमीज भाई. थैंक यू सो मच. जब आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे. इस वक्त फ्रॉड कास्ट में 10 स्पोर्ट्स से मेरा चल रहा है. 10 स्पोर्ट्स, सॉरी 10 स्पोर्ट्स से मेरा चल रहा है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वापस आते हैं, अभी के लिए इतना. जी. वेलकम बैक. आपने देखा रमीज भाई से बात कर रहे थे, और अब जो हमने बात करनी है, इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू, और जुम्मे के दिन ये इशू उभरता है और दाग की तरह काटता है. मैं बात कर रहा हूँ वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स की. अब तक बात जनाब अली लीक्स तक है जी. आप और ऐसी वीडियो है, उसके बाद भी कह रहे हैं काफ़ी लोग लीक होंगे. हाँ, मतलब अब क्या आप समझते हैं कि अब क्या आने वाला है? और इससे कि कहते हैं कोई लोग फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो बहुत अजीब सी बात नहीं है कि मतलब सर फ़र्क शायद इंसानों के होते हुए ना पड़े. हाँ. लेकिन कहा यह जा रहा है कि गैर इंसानी मखलूकात जो हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुई हैं. हाँ. और जू फेलिया जो है उसको कहा गया है कि वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व. कहने की वो आपके ख्याल में आएंगी क्या वीडियो? सर बिल्कुल आएंगी, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो है वो लोगों ने कोशिश हर हवाले से की है. और इससे अंधी डॉल्फिन जो है उन बेचारियों का जो है उनको नजर नहीं आता था उनको. उसका नाजायज फायदा उठाते हुए मच्छेरों ने, मतलब ये छपा है. मैं ये नहीं, ये सर नहीं, इसके ऊपर आपको पता है ना, वो काफी जगह लिखा भी गया है. एक अखबार ऑनलाइन में आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर ये है कि बेचारी जो डॉल्फिन. हाँ, तो ये पानी की आबी मखलूक भी हो गई. तो आप कह रहे हैं कि ये कोई मसला नहीं है, ये हमारा कौमी इशू है, ये जो अब इस उम्र के जैसे इमरान खान साहब की वो ऑडियो सोशल फैब्रिक ही हो जाएगा. तो सोशल फैब्रिक कोई देखें, इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए आपको. उसके अंदर ये सारी चीज़ें लवाजमात मौजूद हैं. कोई भी इंसान किसी मौजूद है, मतलब किस्म की बातें, इतनी गंदी बातें एक बंदा कोई कर रहा हो, तो मतलब इस उम्र के हमारे बुड्ढों के साथ मसला क्या? मैं इस पर आना चाहता हूँ. मैं कह रहा हूँ कि ये शायद चलो ठीक है, इस चीज़ का मसला क्या? ये इस चीज़ की कोशिश है मेरे ख्याल में कि ये जो जिसको आप गंदी बातें समझते हैं, वो गंदी तभी है कि आप समझते हैं, उनको आप नॉर्मल कर दें. मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक खास उम्र में लतीफे भी सुनाना शुरू करते हैं, गालियां वगैरह, ये नॉर्मल चल रहा है. और ज्यादातर ऐसी जो होते हैं अंडर द लाइन जोक्स जो होते हैं जी, ये भी इस उम्र में लोग सुनाते हैं. और लेकिन ये तो हम इनके बारे में तो कॉन्सेप्ट था कि ये बिन देयर डन दैट, और पता नहीं इंग्लैंड में रहा और मैंने ऑस्ट्रेलिया देखा. उसके बाद आप इतने, मतलब आप मेरे ख्याल है वो भी झूठ नहीं. आप देखें ना, ये माइंड सेट कितना जबरदस्त है कि ऑस्ट्रेलिया में रहा तो ये एक ही है कि वो तो मुल्क है ही ऐसे ना, वहाँ तो मतलब तो गोरियाँ तो बड़ी, मतलब ऑस्ट्रेलिया में सड़कों पर जी कॉन्सेप्ट ये तो ये है. और आपने वो देख लिया होगा एक वजात एस खान टाइप एक आदमी, वो तो उन्होंने
के ऊपर भी कि यार वो फिट है और ये वो, तो यहाँ पर हर चीज़ को उसी तनाजुर में देखा जाता है। इवन जो भी खुराक खाई जाती है वो भी मतलब मामला तो लग रही है। मैंने इसका जिक्र एक दो जगह किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आप इससे नुकसान होगा कि पर्सनैलिटी, जिसको मुझे खुद बुरा लग रहा था उनकी वो सुनते हुए, आई थिंक इंसान को थोड़ा सा अपनी उम्र के हिसाब से हम भी नहीं, वैसे ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए इस उम्र में, तो नहीं होनी चाहिए, नहीं, हमारा कौमी मसला है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए हर जगह। लेकिन मसला ये है कि वो रिटेलिएशन में बहुत कुछ हो रहा है, इतने ऐसे ऐसे ट्रेंड चले और दीगर पॉलिटिशियन जो थे उनकी खवातीन के आप जैसे उसके बहुत ही साबका लोग वज़ीर आज़म वगैरह आए ना, जो उनका ये था कि यार फलाना जो है ना, अल्लाह माफ करे, वो पकौड़े खाता है, वो पराठे खाता है, उसको कोई साग पसंद है, इसका मजाक उड़ाते थे। तो ये तो बड़ी वो अलग बेहतर चीजें थी, नॉर्मल चीजें हुई कि किसी को खाने का शौक है नवाज शरीफ के बारे में बात, तो इसमें क्या बुराई? आपका शौक क्या है? शौक है आपका Lot of so many. अगर आप व्यू देखें उससे आप कितने गंदे शौक है, इसका मतलब वो पिछले शौक ठीक थे, ये भी एक बात कह सकते हैं। लेकिन वैसे उसूली तौर पे हमारे जो है ना नौजवान इस ऑडियो से बड़े खुश हैं, उनको ये चीज़ें पसंद है लड़कों। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक अच्छा किरदार का आदमी ये कह रहे कि आप ठीक नहीं है, नहीं वो कौन सा अच्छा काम है, ये तो किसी भी हवाले से ठीक काम नहीं है, होना नहीं चाहिए, पब्लिक नहीं होनी चाहिए, ये भी एक हकीकत बात है। लेकिन आपको दोनों साइड से देखना होगा कि एक तो ये चीज़ पब्लिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये है कि ये होनी भी नहीं चाहिए। और उसमें जुल्फी बुखारी बातें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है क्या दो लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं, वो गलत कॉन्टेक्स्ट की बात है, नहीं वो गलत कॉन्टेक्स्ट की बात है, ये भी आपके लिए ये जो पॉइंट स्कोरिंग होती है, ये जिन लोगों की ट्रेनिंग उस हवाले से हुई भी है, उन्होंने वो लिटरेचर पढ़ा हुआ है जिसके अंदर वो तसव्वुफ के रमूज जानते हो, तो वो उस हवाले की गुफ्तगू है, उसको गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि वो भी नहीं कि अब दो लोग बात कर रहे हैं और किसी अपनी ज़िंदगी के किसी मसाइल की या जो भी उसमें, तो देखिए वो ज़िंदगी के मसाइल की बात है, बाकी जो ऑडियो है वो दरिंदगी के मसाइल की बात है। तो बड़ा फर्क है, खान साहब के ऑडियो आप कह रहे हैं कि उसमें दरिंदगी दरिंदे भी जी वानगी टाइप, बिल्कुल ऐसे ही, तो यानी कि आगे जाके बहुत बड़ा तूफान आने वाला, बिल्कुल ऐसे ही है, और फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर तो खुला मैंने सुना खुला ये होना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि गैर इंसानी जो है ये परवर्त जिसको कहते हैं, वो एक बहुत गलत अंदाज का एक वर्ड डिवाइस किया हुआ है, जो अगर खान साहब करने के लिए इस वक्त यूके में होते, जो कि वो पूरी जिंदगी रहे, तो उनके टांग में ना एक मीटर लगा होता, वो नहीं उस रेडियस में जाएंगे तो बजर चुन हो जाएगा कि वो आ गया वही बच्चों, एक कुत्ते लाए हो रहे हैं पाकिस्तान में, इलाकों में कुत्ते रेस हो रहे हैं, नहीं आप देखे ना कि यार ये बच्चों को दूर रखे वो लोग, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, मतलब वो मतलब जानवरों से उनसे हो रहे, बिल्कुल ऐसे ही। असल इसको जो ना जोक का अंदाज भी नहीं देना चाहिए, जो कुछ लोग जोक का अंदाज देते हैं, कुछ लोग जो है इसको इम्प्रेस होते हैं, ये तो एक ना पसंद करना चाहिए इस चीज़ को आप, एक ऑब्वियसली एक खातून है पी टी आई की, वो नहीं वेरीफाइड अकाउंट, एंड सेड कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी के साथ भी खान साहब की कुछ भी करते हुए वीडियो आ जाएगा, क्योंकि ही इज़ नॉट करप्ट, यू नो, अच्छा वो करप्ट नहीं है, लेकिन बाकी कैसे जो है देखिए हर किस्म की जेंडर मुझे मसला है, सही है, देखो करप्शन एक फाइनेंशियल चीज़ होती है जिसके खिलाफ जो है वो चीज़ लॉ भी मौजूद हैं कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप उस में मॉरल करप्शन जी, लेकिन ये जो करप्शन है ना जो कहीं नज़र नहीं आती, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, ये आप खुद सोसाइटी ख़राब, बिल्कुल ऐसे ही है, बजाय इसके कि आप तो हमें लेक्चर, और ये जिसने ये बात की है उसको अपने जो है वो सीरियसली और बहुत सीरियस अंदाज में अपने मेंटल हेल्थ का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये अब नॉर्मल बात है जो इन्होंने की है, और दुनिया की किसी भी जगह पे ये अब नॉर्मल ही कंसिडर की जाती है। लेकिन आगे आप इंतज़ार कर रहे हैं जी, ऑडियो इवन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जहाँ पर एक मतलब ये जो इस तरह के एक्ट हैं अगर वो इंडस्ट्रियलाइज भी हो गए हैं किसी हवाले से, तब भी वहाँ पर ये बुरी चीज़ ही समझी जाती है, वेस्ट में भी इसको अच्छा नहीं समझ, मैं वेस्ट क्या के उन्होंने वर्ड डिवाइस किया भाई, परवर्ट एक बुरा वर्ड है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी खातून आज़ाद, दैट्स ऑल टुडे ब्रॉडकास्ट में, और साथ ही साथ देखेंगे इस तरह के जो लोग हैं जो इस एक तो वजात अस खान है ना, तो बेचारे के पास कुछ है नहीं, तो वो मतलब जाहिर है, साथ ही साथ आप देखेंगे और ये मकबूल जान जो है वो उन्होंने भी बहुत सारी वो करने की कोशिश की है, तो एक बात तो तय है जी, जो बहुत ज़्यादा वतनियत और इस तरह के खास तौर पर रिलीजन की बात करते हैं तो वो उसको ज़्यादा चेक कर रखना चाहिए, बट ये सब पीछे से ऐसे ही जी, पीछे से ऐसे ही
बिल्कुल दैट्स ऑल जी, दैट्स ऑल फ्रॉम मी।